Welcome to my Inner Eye YouTube channel. Good morning students and my honorable audience. Actually हम आज CBSE book निकल रहा है class 8 का, वो based on NCERT में है. एक एक lesson से हम start करने वाला हो class 8 से, क्योंकि class 8 भी एक बहुत महत्वपूर्ण class है, क्योंकि class 8 और 9 की ऊपर डिपेंड करता है क्लास 10 का. सभी स्टूडेंट लोगों का स्कूल अभी भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसी सिलसिले में नया वीडियो डाल रहा हूँ ताकि स्टूडेंट लोगों को और अच्छा हो सके. तो मैंने इसलिए लेसन 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ. तो आज अगर मेरा इस वीडियो में तुम लोग पहले शामिल हुआ है तो प्लीज़ मेरा इनाडा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ मेरा बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरा आने वाला वीडियो हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंचा सके. क्लास 10 का एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट महीने में एग्ज़ाम, तो इसी सिलसिले में हर स्टूडेंट को मैंने मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ, ताकि सब स्टूडेंट लोगों को एग्ज़ाम अच्छा हो सके. और ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ वीडियो डाल के रखा है मेरा चैनल में. अगर तुम लोगों को कोई शक हो, कोई मतलब डाउट हो, तो मेरा चैनल भी तुम लोग खुल के देख सकते हो. तो बिना देर करे हुए हम वीडियो तक चलते हैं. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ये है रेशनल नंबर चैप्टर 1. रेशनल नंबर सिलेबस में क्या क्या है ये सब दिया हुआ है, तो फैक्स डेट बेटर तक चलता हो. इसमें क्या क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उतना ज़रूरी है, तो इसलिए फर्स्ट हम फैक्स डेट बेटर पर चलते हैं पॉइंट वन बाय वन से. नंबर वन में है ए नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर्स एंड Q not equal 0 is called a rational number. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो P by Q मतलब क्या है, जो एक नंबर समझो P पोजिशन है यहाँ पे न्यूमरेटर और Q का पोजिशन है डिनोमिनेटर. समझो एक एग्जाम्पल 1/2, P समझो 1 और Q समझो 2. इसका मतलब क्या है, 1/2 जो फॉर्म है, एक नंबर का जो फॉर्म है, यहाँ पे P एंड Q दोनों एक्चुअली इंटीजर्स है, आर एनी इंटीजर्स, जहाँ पे क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा. तो इसमें जितना सारा नंबर मिलेगा वो रैशनल नंबर ही आएगा. एक फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. रैशनल नंबर कहाँ पे क्लोज होता है, वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन की ऊपर, ऑपरेशन की अंदर पर डिपेंड करता है. थर्ड पॉइंट, रैशनल नंबर्स क्यूमुलेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. रैशनल नंबर जितना है वो एक्चुअली क्या क्यूमुलेटिव करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की अंदर वो क्यूमुलेटिव करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, रैशनल नंबर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. रैशनल जितना सारा रैशनल नंबर्स है वो कहाँ पे एसोसिएटिव होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ऊपर डिपेंड करता है. देन पॉइंट नंबर 5, द रैशनल नंबर 0 इज द एडिक्टिव आइडेंटिफाई फॉर रैशनल नंबर. हियर एग्जांपल ए रैशनल नंबर प्लस इज एडिक्टिव इनवर्स इक्वल 0. एक एग्जांपल यहां पे डाल के रखा हुआ है. क्या है, रैशनल नंबर. देन नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी वी हैव ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल ए इनटू बी प्लस ए इनटू सी. माइनस में आएगा, अगर बी प्लस सी माइनस हो जाए तो
ए बी माइनस ए सी होगा। रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैशनल नंबर को नंबर लाइन की हिसाब से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। द आइडिया ऑफ मेन हेल्प्स आस टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। वी कैन फाइंड एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। हाँ, मतलब क्या है, रैशनल नंबर का बहुत अनलिमिटेड रैशनल नंबर हम ढूंढ सकते हैं। कहाँ के बीच में? बिटवीन टू रैशनल नंबर। हाँ, दो रैशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारा रैशनल नंबर, मतलब अनलिमिटेड नंबर हम ढूंढ सकते हैं। तो नेक्स्ट आओ, हम जानते हैं, वी नो दैट एक्चुअली नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, ये सब के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो देखो, फर्स्ट वन से हम स्टार्ट करते हैं। द काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आर कॉल नेचुरल नंबर्स। हाँ, ये सब तो हमको पता ही है कि वन से जितना नंबर आएगा, 1 से 2 आएगा, 2 से 3, ऐसे बहुत अनलिमिटेड नंबर आने वाला है, वो सब नेचुरल नंबर है। कंडीशन सेकेंड, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आंसर होगा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, बट देयर इज नो लास्ट और द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। देयर आर इन्फिनिटली मैनी नेचुरल नंबर्स। द नंबर 0 टूगेदर विद द नेचुरल नंबर गिव्स अस द नंबर 0, 1, 2, 3, 4 विच आर कॉल होल नंबर्स। तो देखो स्टूडेंट, तुम लोगों को पता ही होगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस दिखाई दिया। इसमें डिफरेंस दिखाई दिया है 0, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं था और होल नंबर में 0 आ गया। देखो 0, 1, 2, 3, 4, मतलब डिफरेंस 0 के ऊपर होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्योंकि 1 से अगर जो स्टार्ट होगा, जितना सारा नंबर आने वाला है वो सब है नेचुरल नंबर। और जब 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे स्टेप से जाएगा, वो सब होगा होल नंबर्स, बाकी सब है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ, जितना नेचुरल नंबर आएगा वो सब होल नंबर ही है, लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हाँ, सब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो 0 होल नंबर में है। तो 0 अगर होल नंबर में है, नेचुरल नंबर में नहीं था, तो इसीलिए हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। यही कंडीशन है जानने के लिए। द होल नंबर्स टुगेदर विद द नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। होल नंबर जितना होल नंबर है वो सब एक एक करके जो नेगेटिव के हिसाब से काउंटिंग किया जाएगा वो सब होगा इंटीजर। जैसे 10 -4, -3, -2, -1 और वहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये जो स्टेप, ये जो प्रोसेस, ये जो स्ट्रक्चर, ये है एक्चुअली इंटीजर्स नंबर का एग्जांपल। नोट दिया हुआ है नीचे में। नंबर 1 नोट, द पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1, 2, 3, 4 एग्जांपल द पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा है 1, 2, 3, 4 आर द सेम एज नेचुरल नंबर्स, वो सब नेचुरल नंबर में भी आता है। सेकेंड पॉइंट, द नेगेटिव इंटीजर्स आर -4, -2, -3, -1 ये सब है नेगेटिव इंटीजर्स नंबर का एग्जांपल। उसके बाद है तीसरा, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इज -1 एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1। हाँ, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स होगा -1 और द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होगा 1, यही डिफरेंस। नंबर 4, 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कोई नहीं है। इट इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ,
ये बड़ा है, हर निगेटिव इंटीजर से बड़ा है, हर पॉजिटिव इंटीजर से ये छोटा है, वही कंडीशन है। तो देखते रहते हम रैशनल नंबर्स के बारे में हम जानने के लिए ट्राई करते हैं। तो आई स्टूडेंट, द साइन नंबर सच एज -5, -1, 0, +1, +5 एक्सेट्रा आर कॉल इंटीजर्स। दिस इंटीजर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड, ये सब इंटीजर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, -1, -5/1, -1/1, 0/1, +1/1, -1/8, 0/12, +1/19, and +5/11, etc. So actually क्या है, we call such numbers as rational numbers। ये सब जो number का type दिखाई दिया है, सो देखो इंटीजर्स नंबर में डायरेक्ट हम ऐसे यूज़ किया था, और इसको रिप्रेजेंट किया सेकेंड स्टेप में जो डिनोमिनेटर के हिसाब से, मतलब पी बाई क्यू शेप में हम इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब क्या है, इन जनरल ए रैशनल नंबर इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी मीन्स पी बाई क्यू। हाँ, जनरली हम जानते हैं जो नेचुरल रैशनल नंबर जो है उसका फॉर्म एक्चुअली वन पी बाई क्यू या ए बाई बी से किया जाता है, जहाँ पे ए एंड बी इंटीजर्स एक्सेप्ट बी मे नॉट बी जीरो। हाँ, जहाँ पे ए एंड बी इंटीजर्स नंबर है, बाकी जीरो का वैल्यू जीरो का भी नहीं होगा। अगर बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसमें रैशनल नंबर का कोई सवाल ही नहीं उठेगा, ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर इज द क्वेटन ऑफ टू इंटीजर्स सच दैट द डिनोमिनेटर इज ए नॉन जीरो इंटीजर। दस द सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, ये नोट है। तो सेकेंड आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है जानने के लिए, फर्स्ट वन है क्लोजर। फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज वी नो दैट नंबर ए होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। बी इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन बट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो ये था रैशनल नंबर्स को जानने के लिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो से हम डालने वाला है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उसको जानने के लिए हम लोगों को प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सीज क्या है, एक एक वन बाय वन चलना होगा। तो मैं फिलहाल यही करता हूँ कि फर्स्ट आज का वीडियो में यही डाल दिया है मैंने। तो स्टूडेंट तुम लोग ये सब प्रिपेयर करो, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब हम एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए विदाई। तो मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।